रब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, जब याद आने शुरू हो जाए सो जाइए। यह मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूबकर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर हम परमात्मा की याद में याद करके सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे, सुबह उठेंगे तो उन्हीं की याद होगी। क्यों? यह मन का गुण है। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो संसार सोने से पहले उस बात की चिंता होती है, उन्हीं विचारों में सो जाते हैं, रात भर वही विचार आते हैं, सपना उसी का देखते हैं, सुबह उठते हैं प्रॉब्लम कम नहीं होती और गहरी होती है। बहुत से भाई लोगों को तो नींद ही नहीं आती। तो ये 8 घंटे बड़े आराम से आप हर साधक बड़े आराम से बड़े प्यार से अपने बना सकता, अपने बनाए हमने, अभी तक हम दूसरे के लिए काम करते हैं, ये रास्ता अपना बनाने का है। जैसे जैसे परमात्मा की याद बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये रास्ता अपना होता चला जाएगा, परमात्मा अपना होता चला जाएगा। और जो पिछला जन्म भोग के करके आए हैं अच्छे कर्म, उसका भोग आज कर रहे हैं, और जो आज अच्छे कर्म करेंगे उसका भोग आगे करेंगे, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो 8 घंटे आपके अपने हो गए, अब 8 के 16 घंटे कैसे बने? बनाने तो मैं 24 घंटे 24 आवर्स परमात्मा की याद और निष्काम कर्म, वो भी गृहस्थ के अंदर रहते हुए। तो अब ये देखना ये कि हमारे दुनिया के काम पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा यदि आपके पास कोई समय खाली है तो परमात्मा का चिंतन करें, अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका तरीका उन्होंने बताया कि कैसे दें, यह भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास समय खाली है कि नहीं है। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा, अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी अपनाइए। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, स्नान करते हैं, शेव करते हैं, 2 घंटे का समय लगाते हैं इसके अंदर, ये समय खाली है और बड़ी आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से ब्रश करते हैं, उन्होंने क्या तरीका बतलाया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। अगेन ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ये 10-12-15 मिनट का समय बेकार चला जाता है, इसका कोई लाभ पर इस्तेमाल नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट अपने इष्ट देव की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं जिन्होंने पहला स्टेप पूरा कर लिया, आहार और विहार की शुद्धि हो गई, आहार की शुद्धि हो गई, सोने से पहले 6 घंटे आपके अपने हो गए, अब आपको का हौसला बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और हौसला बढ़ेगा कि आगे और कौन से काम किए जाए जो और बड़ी सुंदरता से पूरे हो सकते हैं। जो अच्छे साधक हैं उन्हें स्वतः परमात्मा की याद बनी रहती है, जिनकी आहार और विहार की शुद्धि हो गई, सुबह आधा घंटा पूजा करेंगे तो नहीं होगा, अगर 6 घंटे का अभ्यास कर लेंगे तो सुबह शाम की पूजा अपने आप होनी शुरू हो जाएगी।
क्यों अभी हम 5 मिनट की पूजा करते हैं, हमारा मन नहीं लगता। 24 घंटे हमें घर ग्रस्त की याद आती है क्योंकि हमारा मन घर ग्रस्त में लगा हुआ है। और 5-10 मिनट का समय, 24 में से 10 मिनट, 24 आवर्स आपके मन की वृत्ति दुनिया की ओर, 10 मिनट परमात्मा की ओर, उसमें वही विचार आते रहते हैं जो आपने सारे दिन का काम किया, नहीं होगा किसी हालत में भी। तो क्या हुआ, जिन्हें परमात्मा की याद बनी रहती है उनसे आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि मन थोड़ी देर तक तो ईश्वर में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग गया, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बच्चों में चला गया, मन केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज ये कि मन से लड़ाई ना लड़ें, जैसे मैंने आपको बताया, मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी कामयाबी आपको हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए, और जब मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए, ये भाई दफ्तर में क्या करेंगे, 8 घंटे तो लगाने ही हैं, 9 से 4 बजे तक, ये 10-12 मिनट का समय है ईश्वर की याद में लगाएं, बड़े प्यार से समझाइए उसे, ईश्वर की याद में लगाइए। थोड़ी देर तक तो आपका मन फिर लगा रहेगा, उसके बाद फिर आपका दफ्तर में भाग जाएगा। पता कैसे लगेगा, हमारी आत्मा जो वो देखती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, वो फौरन स्ट्राइक करेगी कि भाई आपका मन हट गया। बड़े प्यार से समझाएं, फिर हो सकता है फिर थोड़ी देर तक लगा रहे, फिर कि तीसरी जगह चला जाए। ठीक है, आत्मा कहती है कि मन कीली पर से हट गया, जब ऐसा कहे फिर प्यार से उसे लाइए, ईश्वर की याद में लगाइए बड़े प्यार से। अगर मन से झगड़ा करेंगे कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। धीरे 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 अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, अभ्यास से आदत बनती है। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। ये सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं, एक बुझी की दूसरी लगाई, दूसरी बुझती नहीं कि तीसरी लगा लेते हैं चेन स्मोकर। यदि पूछे कि भाई इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे भाई स्वाद ना पूछे, तो कड़वा कड़वा धुआं है, पर आदत पड़ गई है। बड़ी मजबूरी है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं। मैं जो मेरा बॉस था उसको इतनी बढ़िया आदत पड़ी हुई थी सिगरेट पीने की कि 9:30 बजे हम लोग फैक्ट्री जाते थे, ऑफिस के अंदर बैठते, हम सब फाइलें लेके जाते थे उसके पास, इतनी मोटी मोटी प्रोजेक्ट चल रहा था हम लोगों का। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास गए तो फाइलें सारी उसने साइड में रखवा दी। पहले वो बैठ के चाय पिलाता, वे आइए बैठिए चाय पीजिए। उसके बाद विल्स की सिगरेट चला करती थी उस टाइम पे, विल्स की एक सिगरेट निकाली, माचिस लगाई और 2.5 घंटे तक वो सिगरेट पीता था। और जब तक सिगरेट पीता था तब तक उसका पेन चलता था, किसी से कुछ नहीं पूछना, क्योंकि वो पढ़ के भेजता था सारी चीज़ें कि आप उसको एनालाइज कर लो। पूछता जाता, लिखता चला जाता, 2.5 घंटे उसका पेन चलता, जहाँ सिगरेट उसने रखी वो खड़ा हो जाता था कि अब मेरे से काम नहीं होता। हैबिट फॉर्मेशन, इतनी अच्छी आदत थी उसको। दूसरा, मेरा जो रिलेशन में है वो सफदरजंग हॉस्पिटल ENT के अंदर स्पेशलाइजेशन किया उन्होंने, वार्ड के अंदर गए
तो कंबल से धुआं निकल रहा था। कंबल उड़े हुआ था पेशेंट और धुआं निकल रहा था उसका। तो उन्होंने वार्ड बॉय को बोला कि देखो धुआं क्यों निकल रहा है भाई, यहां तो सारे कैंसर पेशेंट है, कहां से धुआं निकल रहा है। कंबल उठाया तो आदमी यहां से सिगरेट पी रहा था, यहां लगा, यहां से नहीं यहां से, हैबिट फॉर्मेशन। इतनी पक्की हो जाती है कि जान के लाले पड़े हैं पर आदत पर छोड़ नहीं पाते। अगर ऐसे ही परमात्मा की याद करेंगे तो इतनी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे ही आप ब्रश हाथ में उठाएंगे फौरन परमात्मा की याद होनी शुरू हो जाएगी। तो एक काम को बार बार करने से, अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं कि जब ब्रश हाथ में आएगा आपको ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आ जाएगी। अब आपको व्रत नहीं करना पड़ेगा, जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की याद में डूबे होंगे। ब्रश किया, दूसरा ख्याल आया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया क्योंकि उससे आदतें बनती हैं। जब आदत बन गई, काम सफल अपने आप, मंत्रों का उच्चारण अपने आप होता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप निकलता है। इतनी अच्छी सुंदर आदत बन जाती है। दूसरा आइटम, हम लोग शेव करते हैं, जैसे शीशा और हजामत का सामने आए आप ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्रेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा क्योंकि आपको ऐसी आदत होती चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे तो ये निश्चित समझिए कि अभ्यास 3 महीने में पूरा हो जाएगा और इतनी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे ही आपने ब्रश हाथ में लिया ऑटोमेटिक परमात्मा की याद अपने आप आएगी। और जब तक शेव करते होंगे परमात्मा की याद में डूबे होंगे, उसके बाद स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ये विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सरीमा का राग निकालते हैं बाथरूम में जाके, बगैर सरीमा के भक्ति रस से भरा भजन गाइए, मन भी साफ और शरीर भी साफ, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि मन भी साफ और शरीर भी। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं। कितनी सुंदर पवित्रता आती है मन के अंदर, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए, ये सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, हम खुद नहीं पहन रहे। तो ये सारा समय मॉर्निंग रूटीन का जो बेकार चला जा रहा था, अगर प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हो, तो ये सारा समय परमात्मा की याद में बिता सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करें, 10 घंटे प्रभु की याद, उसमें सराबोर और दुनिया के काम जैसे आज है उससे अधिक सुंदर, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ। लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं, 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए विचार करना होगा कि हमारे देश में कौन कौन से व्यवसाय हैं, कैसे कैसे व्यवसाय हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। मेरे हिसाब से पहला भाग किसानों का, और हमारे देश में 70% जनता किसान की है जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग। चौथा तबका कारखानों में काम करने वालों का है,
और पांचवा तबका देवियों का है। और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में है। अधिकतर जो देवियां हैं उन पर घर का काम है, घर का काम चलाती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इन सारे भागों में कौन सा समय ऐसा है जो खाली है, जो हम परमात्मा को दे सकते हैं बड़े प्यार से। पहले लेते हैं खेती का काम। हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर हैं पर बहुत कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल। इसलिए ऐसा होता है जिससे उसका मन डाइवर्टेड रहे, थकान महसूस ना हो उसको, बड़े आराम से इसलिए करता है। जब नौटंकी का गाना गा सकता है तो भक्ति रस से हुआ भजन भी गा सकता है, परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ। हल चलाने में दो विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक वो कि जितनी जमीन खुदनी चाहिए खुद रही है नहीं, दूसरा बैल के पैर में कहीं फाल ना लग जाए। और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे बड़े सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, कोई होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाना बड़े प्यार से ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं मेरे हिसाब से। जब वो बीज बोता है तो हल में कुप्पी बांध देता है, बीज डालता जाता है, बोता जाता है, ये भी बड़े आराम से किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं, बटन दबाया पानी निकला, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है। पर जहां पर ये साधन नहीं है वहां चरस से पानी देते हैं। बिहार में अब भी चरस से पानी दिया जाता है, रैट से पानी दिया जाता है। जब किसान बोलता चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते, पानी गिरा दिया जाता तो बोलते चलो राम, आए राम, चलो राम, पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे बड़ी आसानी से परमात्मा की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में ना किया जा सकता हो, हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यही है कि हमारा अगर पुराना कल्चर उठा के देखें, हमारा कल्चर यही था, हर काम भगवान की याद में किया जाता था। पुराने जमाने के किसानी के जितने काम थे परमात्मा की याद में डूब कर किया जाते थे, कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और वास्तविक सभ्यता हमारी अब भी गाँव में है, तब तो थी, अब भी गाँव में है। गाँव में ताले नहीं लगते, आज भी घर खुले पड़े रहते हैं, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। ये था हमारे देश का कल्चर, सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।